आपको अगर बीचिस पसंद है और आप रखते हैं शौक बीच पर जाने का, तो आपके लिए ये वीडियो बड़े काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं गुजरात के वो चार बीच जो वाकई में सुंदर है। सोमनाथ मंदिर से द्वारिका की दूरी है 236 किलोमीटर की, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप सोमनाथ से द्वारिका का सफर करते हैं बाय रोड तो रास्ते में आने वाले समुद्र तटों के बारे में। सोमनाथ के मुख्य मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर बना हुआ है ये सोमनाथ वॉकवे, जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है, जहां पर आप वॉकिंग के साथ साथ साइकिलिंग भी कर सकते हैं। सोमनाथ वॉकवे में जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगी ये विशाल हनुमान जी की प्रतिमा, और अगर आप सोमनाथ वॉकवे से सोमनाथ मंदिर को देखेंगे तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको नजर आएगा। बिल्कुल बगल में ही बना हुआ है सोमनाथ बीच, जहाँ पर शाम के टाइम पर गोल्डन सनसेट को देखने के लिए काफी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। सोमनाथ मंदिर से जैसे ही आप द्वारिका के लिए सफर करेंगे तो सोमनाथ मंदिर से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर आता है ये माधवपुर बीच, जहां पर तुलसी विवाह का बहुत ही महत्व है। यहां पर तुलसी विवाह के दिन मेला भी लगता है, और एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मिणी जी से मिलने आते हैं तो कुछ पलों के लिए पूरे समंदर का पानी मीठा हो जाता है। माधवपुर बीच से 55 किलोमीटर की दूरी पर है पोरबंदर बीच, जो पोरबंदर सिटी में मौजूद है। पोरबंदर जिसका पौराणिक नाम है सुदामा नगरी, जहां पर हुआ था भगवान श्री कृष्ण का सुदामा जी से मिलन। यहां पर सुदामा मंदिर भी मौजूद है, जिसका निर्माण 1902 में किया गया था, जो सिर्फ पूरे भारत में आपको यहीं पर नजर आएगा। आप रखते हैं शौक किलों को देखने का तो यहाँ पर अरब सागर के किनारे इस बीच पर हुजूर फोर्ट भी मौजूद है। पोरबंदर जहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। आप आते हैं पोरबंदर तो कीर्ति मंदिर की विजिट अवश्य करें। यहाँ गांधी जी के व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं, तस्वीरें, पत्र और ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं। पोरबंदर बीच से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच सकते हैं शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच जो द्वारिका से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसे मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है, जो एक ब्लू फ्लैग बीच है। यहां पर आप देख पाएंगे सफेद रेत और साफ पानी को। शिवराजपुर बीच पर आप स्विमिंग के साथ अन्य वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हो हमारी चैनल पे तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।